राधे राधे गुरुजी। मैं राजस्थान के जोधपुर ज़िले से हूँ। मेरी भांजी है जो यहाँ बैठी है, इसको मतलब कभी ठीक हो जाती है, 10-15 दिन में ठीक हो जाती है, और 10-15 दिन गुमसुम रहती है। और कभी कभी मतलब दिखाया मंदिरों वगैरह में, फेरी लगाई थी तो वहाँ पे बताया कि भाई इसको चेड़ा चपटा जो है उसकी हवा लगी हुई है। ये चेड़ा चपटा क्या है? क्या भूत प्रेत का साया है इसके ऊपर, ऐसा बताया। और गुरुजी अभी हम गंगा नहा के आए हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो गई है। और पहले भी हम उधर राजस्थान में पुष्कर जी करके हैं, उधर इनको नहलाया तो ठीक हो गई, और फिर से ये गड़बड़ हो गई। तो गुरुजी आगे से ये गड़बड़ नहीं हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? इनको गीता आप सदा अपने पॉकेट में रखा करो, और गीता का एक श्लोक सदा याद करके बोला करो। बोलो सर्वधर्मान, बोलो माइक दो। सर्वधर्मा सर्वधर्मान सर्वधर्मान परित्यज्य 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 प्रत्यज्य मामेकम मामेकम शरणम ब्रज सर्वजनम शरणम शरणम ब्रज ब्रज अहम अहम त्वा द्वहा सर्व सर्व पापेभ्यो पापेभ्यो मोक्ष मोक्ष यस्यामि यस्यामि मां महा मां मां सूचः सूचक। ये गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। आप इसका जाप करें, और श्रीमन नारायण का सदा जाप करेंगे। जो भी जाप करेंगे, भूत प्रेत जैसी कोई बाधा कभी आपको परेशान नहीं कर सकती। कभी नारायण कवच का पाठ किया करो। भूत प्रेत देखो परेशान कभी नहीं कर सकते। आप नारायण कवच का पाठ करेंगे, एक श्लोक नारायण कवच का एक भी श्लोक याद करके उसको चलते फिरते आप जपते रहें, कभी भूत प्रेत की बाधा नहीं आएगी। और गुरुजी मेरी माताजी है और मेरे सभी परिवार के सदस्य आपके बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनको भी आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। खुश रहिए। गीता का श्लोक इनको याद कराना, नारायण कवच के एक श्लोक याद करा देना, कभी भूत प्रेत की कोई बाधा किसी को सताएगी नहीं। यदि जो भी गुरुजी राधे राधे। ये बच्ची बहुत मतलब करती है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है, तुलसी की भी करती है, ये सब पर की सेवा करती है, लड्डू गोपाल का बहुत प्यार करती है, जैसे तो भी हो गई है ऐसे। खुश रहिए, अच्छी हो जाएगी। आपको मतलब बहुत कथा आपकी सुनती है, चिंता ना करिए, अब कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, ठीक, परेशान ना राधे राधे। खुश रहे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी मेरी मम्मी और सासू माँ दोनों भी भागवत कथा सुनती है आपकी, उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। भूत भूत होता कम है, कई लोग भय का भूत मान लेते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मैं एकादशी करती हूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ? हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात। और मेरी बड़ी बहन भी है तो वो भी कर सकती है। सब सब, सब और एकादशी में हल्दी खा सकते हैं? हल्दी खा सकते हैं, मतलब दूध में डाल के पी सकते हैं। हाँ हाँ, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। नहीं खाने वाले, नहीं भी खाते, खा लेने में भी कोई आपत्ति नहीं है।